प्रयास करेंगे कि हम आए, क्योंकि हमारे घर पे भी है, हमारे दिल लड्डू गोपाल है, उनका भी जन्मदिन मनाना है। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 11:30, एंड सबसे पहली बात तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। एंड आज आपको एंड हम जो इतने दिन से जो काम कर रहे थे, आज आपको देखने मिलेगा क्या है क्या नहीं। आज मतलब आज रात को 12 बजे कृष्णा जी का जो है जन्म होगा, तो व्रत जो है वो अभी से ही रखते, मतलब आज के दिन से ही रखते, मॉर्निंग से ही रखते। तो मेरा भी व्रत है आज का। तो जो भी फंक्शन होगा, वो फंक्शन मतलब डेकोरेशन, मतलब जो पूजा पाठ, जो भी पूजा वगैरह होगा, वो शाम के टाइम पे होगा। शाम के टाइम मतलब रात के टाइम पे होगा, 12 बजे के आसपास। तो कोई आज मना रहा है कि कोई बोल रहा है कल है, हम तो वृंदावन साइड से, तो वृंदावन में आज मना रहे, तो हम भी आज मना रहे हैं वृंदावन में, आज ही मना रहे मेरे ख्याल से। कहीं मैंने सुना था 27 को, मतलब आज जब 12 बजे का तो डेट चेंज होगा, तो 27 लगेगा, तो 27 का, तो हम लोग भी इसलिए आज मना रहे हैं। तो डेकोरेशन वगैरह जो भी है गाइज, आपको आज के ब्लॉग में देखने मिलेगा, जो हमारी इतने दिन की मेहनत है, 12-12, 13-13 घंटे की जो हम लगे थे कंटिन्यूसली, उसकी जो डेकोरेशन है वो आपको आज देखने मिलेगी। तो ब्लॉग में बने रहना। अभी फिलहाल के लिए जाता हूँ गाइज, मैं नहा धो के आता हूँ, देन उसके बाद मिलता हूँ आपसे, क्योंकि आज व्रत भी है एंड थोड़ी सी वीकनेस लग रही है सुबह से ही। तो अभी चलते गाइज, फटाफट से जाके नहा के आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलो ओके सर, अभी नहा धो के आ चुका हूँ। एंड गाइस, मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हो गया, फोकस ही नहीं करता, पता नहीं क्या, एकदम ऑल ऑफ सडन कैमरा चालू करो, ऑल ऑफ सडन पूरा अनफोकस कर देता है, पूरा सब कुछ ब्लर कर देता है। अभी 20 मिनट से मैं उसी में लगा था, कभी कैमरा चालू कर रहा हूँ, कभी सिनेमैटिक मोड चालू कर रहा हूँ, कभी पोर्ट्रेट मोड चालू कर रहा हूँ, कभी स्लो मोशन चालू कर रहा हूँ। मैं सोचा कहीं पर स्विच करूंगा, शायद फोकस पकड़ ले, फोकस पकड़ ही नहीं रहा, फोकस लॉक कर रहा हूँ, फोकस लॉक भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो उनका तो अलग ही धांधल, धीरे धीरे करके सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है मेरे कैमरे की। तो जल्दी सब कुछ इलाज करना पड़ेगा, एंड इलाज करेंगे भी बहुत जल्दी। खैर कोई बात नहीं, अभी का सिनेरियो क्या है वो बता देता हूँ। वैसे अभी बज रहे हैं 12:30, एंड अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ, वीडियो को भी लगा दिया है अपलोडिंग में, मेरे ख्याल से अपलोडिंग भी हो गई। वीडियो जब नहाने गया था, तब मैं वीडियो अपलोडिंग में लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज जरा भी टाइम मिलने वाला है नहीं वीडियो अपलोडिंग पे लगाने के लिए, तो मैं अभी ही लगा दूंगा, तो वो ही सरस बात होगी। तो मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगा दिया है। एंड दूसरी बात गाइस, रोल है पेपर का, वो मुझे वापस करने जाना है। बंदे ने बोला था कि जितना आपको चाहिए रहेगा उतना आप रियूज कर लेना, बाकी का जो है मुझे रिटर्न ला के दे देना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली उसने बोला था कि इसको खराब वराब नहीं करना, उसमें कुछ लिखवत मत देना या फाड़ फूड़ मत देना, तो कुछ भी नहीं फटा है, एकदम प्रॉपर रोल, एकदम प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ है, तो उसको रिटर्न दे के आएंगे। तो चैनल का रिलेटेड जो भी काम है सारा हो गया है, एक्सेप्ट व्लॉग, व्लॉग तो बनते रहेगा पूरे दिन में, तो वही चीज़ें। तो अभी चलते हैं गाइज, बहुत सारी तैयारी करनी है पूजा की, आज शाम को पूजा है, तो बहुत सारी तैयारी करनी है पूजा की। तो गाइज सबसे पहले चलते हैं, रोली चेंज करा के आते हैं, मालूम पड़ा फटाफूटा तो गले पड़ जाएगा फिर। ओके सो गाइज, पेपर रिटर्न करा दिया है, अभी चल रहे हैं घर वापस, और बारिश हो रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, क्या हिसाब है क्या। ओके सो गाइज, पेपर वेपर जो है चेंज करा के आ गया है, एंड मैंने थोड़ा और जो है पूजा पाठ का जो काम खत्म कर लिया है, थोड़ा बहुत खत्म करना था, जो इम्पोर्टेंट काम थे, जो हालांकि सुबेरे ही हो जाने चाहिए थे, बट थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी हो गया है वो वाला काम। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस बाहर नारियल पानी वगैरह कुछ लेने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने और ज्योति ने कुछ भी नहीं खाया, खाली चाय पिया, क्योंकि फास्ट है ना, तो फास्ट में इतना कुछ खाते भी नहीं। और मैं ज़्यादा कैमरा हिला नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेकोरेशन जो है मेरे यहाँ पे जस्ट सामने, मेरा कैमरा है, मेरे कैमरे के पीछे जस्ट डेकोरेशन है, तो मैं आपको अभी नहीं दिखाना चाहता, अभी थोड़ा और वेट करो, इतना टाइम से 2-3 दिन से वेट कर ही रहे हो, तो थोड़ा और वेट करो, डेकोरेशन दिखाएंगे बहुत जल्दी, एंड हमारे भगवान को भी दिखाएंगे कैसा लग रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए गाइस चलते फटाफट से जाके बाहर नारियल पानी वगैरह लेके आते, कुछ खाते पीते, क्योंकि भूख लग रही है, मेहनत ज़्यादा करनी है आज, तो फटाफट से जाते नारियल पानी वगैरह लेके आते, फिर मिलते हैं आपसे। भैया तो नारियल पानी दे दो, एक मलाई वाला, एक सादा पानी वाला। गन्ने का जूस भी लेके जा रहा हूँ घर यहाँ से, क्योंकि मालूम पड़ा है नारियल पानी से अगर काम नहीं चला तो इतना ताकत भी नहीं होगा कि वापस आओ वहाँ से, चल के फिर यहाँ से लो मार्केट से, तो मैं लेके ही जा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो पी लेंगे, अगर नहीं पड़ी तो कुछ हो जाएगा काम। ओके सो गाइस, अभी जूस वगैरह पी लिया है, जूस और गन्ने का जूस और नारियल पानी दोनों पी लिया है मैंने, एंड अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, एंड अभी थोड़ा आधा एक घंटा आराम कर रहा हूँ मैं, आधा एक घंटा आराम करने के बाद उठेंगे फिर से
तैयारी चालू करेंगे क्योंकि रात को 12 बजे सारे गेस्ट आएंगे घर पे, एंड प्रसाद विशाद की तैयारी करनी है और फाइनल पूरा फाइनल टच देना है डेकोरेशन को, पूरा फाइनल लुक, सोफा वोफा सब हटाना है, सब कुछ मतलब जो भी यहाँ का मतलब एडिशनल सामान है सब कुछ हॉल मतलब मेरे बेडरूम में जाएगा, एंड यहाँ पूरा खाली करेंगे, यहाँ पे सजाएंगे, लाइटिंग वगैरह भी लगाना है। अमेजोन से अभी तक लाइट आई नहीं है, अब कब तक आएगी क्या पता, 3 तो बज गए हैं, अब कब आएगी क्या पता, तो वही चीज़ें। तो अभी थोड़ा टाइम आराम करते थे, उसके बाद एनर्जी स्टोर करके तो शाम को ग्राइंड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद, जब उठेंगे सो के तब। ओके सो गाइस सो के उठ गए हैं, एंड अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, जैसे बताया आपको कि खाली एक डेढ़ घंटा ही सोएंगे खाली। तो अभी उठ गए हैं, अभी पी रहे हैं चाय, एंड चाय पीने के बाद सीधा लगेंगे फाइनल टच देने के लिए। मैं काफ़ी लेट सोया था, मैं 4 बजे के भी बाद सोया था, मैंने इन लोगों को बोला था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, काम करते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ और डेकोरेशन में कुछ और भी करते हैं, कुछ और ऐडअप करते हैं, कुछ करते हैं, बट ये लोग बोले कि नहीं हमको सोना है करके, तो हम बोले ठीक है सो जाओ कोई बात नहीं। फिर मैं ही बैठे बैठे मैं बोला ठीक है चल मैं भी लेट गया था, एटलीस्ट शाम को थोड़ा सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, शाम को काम करेंगे। तो सो के उठ गए हैं, अभी जाएंगे फाइनल टच देंगे, मतलब फाइनल जो लुक है हमारे घर का, सोफा वोफा हटाना है, सब कुछ आपको साफ सफाई करना है, हॉल क्लियर करना है, क्योंकि रात में काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो वही चीज़ प्रसाद वसाद की भी तैयारी कर रही है। तो पहले चाय पीते हैं, खाली चाय है, एंड चाय पी के उसके बाद लगेंगे काम पर। A few moments later. Okay, so guys, Amazon से पार्सल आ चुका है, एंड इसमें जो हमने लाइट मंगाई है वो ही हुई है इसके अंदर। तो फटाफट से सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में आया क्या है, एंड जो भी आया है वो वर्किंग है कि नहीं। फटाफट से खोलते हैं इसको। बस दोनों लाइट देख लिए, दोनों लाइट एकदम परफेक्ट तरीके से वर्किंग है, तो दोनों लाइट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। अब इसको लगाएंगे, अभी चाय नहीं हुआ, मैं चाय पीने से बैठ ही रहा था और बेल रैंग हुई मेरी, अमेजोन वाला ही रहेगा लाइट लेके आया होगा। खैर कोई नहीं, अभी जाते चाय पीते उसके बाद लगाएंगे लाइट वाइट, फिर बात बताएंगे आपको। चलो ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, एंड स्टिल तैयारी चल रहा है अंदर का, बाहर का मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैंने इसे नॉर्मली यहाँ पे लाइट नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे लाइट मेरे को मिल नहीं रहा था एक्चुअली, और कुछ यहाँ पे लगाने के लिए मिला नहीं एक्चुअली, बाहर का कुछ था ही नहीं सीन, बाहर का कुछ सजाने का वो सीन था ही नहीं, बट मैंने बोला ठीक है चलो बाहर भी सजाते। तो यहाँ पे मैंने ऐसी लाइट नहीं लगा दी, लाइट इसमें दिख रहा नहीं होगा, और ये वो कंडी ऐसा तोरण टाइप वो लगा दिया, सबसे मस्त दिख रहा है वो, और अंदर का साफ सफाई चल रहा है। फाइनल जो लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आपको बाबा जी का झोपड़ी का भी आपको दिखाऊं। बाबा जी का झोपड़ी में भी वृंदावन जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है बाबा जी का झोपड़ी में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ का तैयारी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाबा जी का झोपड़ी लेके जाऊँ, बाबा जी के झोपड़ी का मैं डेकोरेशन आपको दिखाऊंगी, डेकोरेशन कैसा होता है। अभी फिलहाल मेरा थोड़ा सा काम ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम खत्म करता हूँ, टाइम मिलेगा तो वहाँ पे भी जाके आएंगे, वहाँ का भी दिखाएंगे। तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट सारा तैयारी हो गया है, बस अभी बज रहा है 9:15, तो मैं और दक्ष जा रहे हैं बाबा जी का झोपड़ी, वहाँ पे आपको डेकोरेशन दिखाना है, देन उसके बाद वहाँ से आएंगे यहाँ का जो लास्ट छोटे मोटे एक देखा तो दो काम बचा है खाली, वो भी हो जाएगा बट किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बर्फ नहीं जमा है, बर्फ का कुछ काम है मेरे को बट बर्फ अभी तक जमा नहीं है, तो बर्फ जमेगा उसके बाद ही मेरा काम होगा। तो जब तक हम जाके आ रहे हैं बाबा जी का झोपड़ी, आपको डेकोरेशन दिखाएंगे आपका, चलो।
12 बजे फिर होगा ना। और ये मटकी 12 बजे इधर ही रहते हैं यहां पे। तो गाइस यहां पे 12 बजे कुछ फंक्शन है, 12 बजे यहां पे हंडी लगाई है छोटी सी, तो ये भी 12 बजे फूटेगा। आंटी जी ने बताया हमें कि भजन वगैरह होगा एंड मंदिर 1:30 बजे बंद होगा, 1:30 बजे तक मंदिर बंद होगा ये आज। हालांकि ऐसे नहीं होता, 10 बजे मेरे ख्याल से 10:45 के आसपास बंद हो जाता है, 10 बजे बंद हो जाता है, बट आज 1:30 बजे तक, रात को 1:30 बजे तक खुला है। तो हम लोग भी आएंगे करने, आप लोग भी आओगे, हम भी प्रयास करेंगे कि हम आए, क्योंकि हमारे घर पे भी है, हमारे दिल लड्डू गोपाल है, उनका भी जन्मदिन मनाना है, तो वो करके हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आए। हालांकि आएंगे नहीं आएंगे वो तो देखा जाएगा, बट यहाँ पे आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड डेकोरेशन गुरु जी आएंगे, ऊपर गुरु जी आए ना, खतरनाक वाइब होने वाली है यहाँ की, तो कोशिश करेंगे आने का। और अंदर पटाखे वैसे ही फूट रहे, वो जो बलून लगा है शिव जी के वहाँ पे वो फूट रहा है एक एक करके। ओके सो गाइस, बाबा जी की झोपड़ी जाके आ चुका हूँ, एंड जो डेकोरेशन है जस्ट मेरे सामने है यहाँ पे, और मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, अभी भी थोड़ा सा टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग अगर मैं यहाँ लेने जाऊँगा तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू किया जाए, मतलब part 1 part 2 में डाला जाए। ये वाला जो होगा इतना वेट कर ले आप, एक दिन और वेट कर सकते हो, मेरे को पता है आप एक दिन और वेट कर सकते हो। तो इस जो डेकोरेशन है मेरा, जो डेकोरेशन और जो भी सिस्टम है वो आपको कल दिखाएंगे। अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो फिलहाल तो खाली।